गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार कर देने के मामले की गुत्थी अम्बाला पुलिस ने सुलझा ली है। बता दें कि वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी के दिन अम्बाला छावनी में एक स्टूडेंट ने अपने ही शिक्षक पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया था। टीचर पर हमला करने वाले छात्र को अम्बाला पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान अम्बाला छावनी के रहने वाले मनीष के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। बता दें अम्बाला छावनी के पंजाबी मोहल्ला में काफी सालों से ट्यूशन पढ़ाने वाले दिव्यांग विनय मेहता व उनकी पत्नी को 9 साल पूर्व ट्यूशन पढ़ने वाले एक छात्र ने चाकुओं से गोद कर बुरी तरह घायल कर दिया था। हमला करने के बाद आरोपी युवक घर के बाहर ताला लगाकर मौके से फरार हो गया था। दंपत्ति टीचरों पर हुए जानलेवा हमले की जांच और हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस ने अब इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में अभी तक फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने अम्बाला छावनी से ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए युवक की पहचान मनीष के रूप में हुई है, जो अम्बाला छावनी का ही रहने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी युवक ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अम्बाला छावनी में ज्वेलरी की दुकान पर काम करता था और इसे कोर्ट में पेश कर अब रिमांड पर लिया जाएगा। हमारे एक प्रोफेसर साहब के घर पर अटैक हुआ था लूटपाट की नीयत से, उनको और उनकी मिसिज को शार्प चोटें मार करके उनके घर से लूट की गई थी। तो उसमें अभियोग अंकित करके अम्बाला कैंट थाना में अभियोग अंकित किया गया था और पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई थी। इसमें हमारे हरियाणा के माननीय गृह मंत्री महोदय के भी सख्त आदेश थे और पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बाला के भी ये सख्त निर्देश थे कि इस मुकदमा को अतिशीघ्र सॉल्व किया जाए। जो एसपी साहब के दिशा निर्देश पर इसमें जो पुलिस की कई टीमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काम कर रही थी, इसमें एक सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। उस फुटेज की हमने स्नैप बनवा करके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे व प्रिंट मीडिया पे वो फोटो हमने प्रकाशित की थी और उस फोटो के ही योगदान पे पुलिस इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब रही है। एक जैसे ही सोशल मीडिया पे ये फोटो प्रकाशित हुई, जो पुलिस के अपने सोर्सेस थे, पुलिस के अपने सूत्र थे, तो उनके माध्यम से इस आदमी तक हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जो कल से हम इस आदमी की तलाश कर रहे थे, जिसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, यह मनीष कुमार नाम का एक नौजवान लड़का है जो लाल कुर्ती अम्बाला कैंट का रहने वाला है, जिसने प्रथम इन्वेस्टिगेशन में ही इस अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान जो भी तथ्य हैं, जो सामान गया है, जो पूरी डिटेल है, वो रिमांड के दौरान इससे हम खुलासा करवाएंगे। पकड़ा है और सबसे जो बड़ी बात है, एक बात जो जानकारी में अभी तक पूछताछ पे आई है कि ये निकलसन रोड पे ही एक दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पे नौकरी करता है। देखिए, अभी जैसे ही हमने इसको भी देर अभी पकड़ा है, इसने प्रथम दृष्टया जो इसके ऊपर आरोप हैं या जिस मुकदमा में हमने इसको गिरफ्तार किया है, इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ, कि इस घटना को मैंने ही अंजाम दिया है और इसने इस कबूल कर लिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको कल कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड दे। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।